Hello, good morning students. Today in 12th class physics, we are starting a new topic, Earth's magnetism. Earth's magnetism, बच्चों, एक important topic है. इसमें बहुत सारी चीजें imagination पर based हैं. आपको imagine अच्छे से हो जाए, इसलिए अभी हम आपको physically visualize भी कराएंगे. तो इसमें सबसे पहले तो Earth की magnetic properties को अभी हम लोग discuss करें. Initially, we have discussed the properties related to magnets. और अभी हम लोगों ने ये देखा कि अर्थ के पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं. अभी कैसे होती हैं ये अभी हम लोगों ने इसमें बताया था कि अगर आप किसी भी जगह पर किसी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करेंगे, then this always comes to rest along one specific direction. किसी एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पर आता है. सो मैग्नेट freely suspended magnet comes to rest along the north south direction. तो अभी हम लोगों ने यह कहा कि किसी भी मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो यह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पर आता है. और इसके बेसिस पर अभी हम लोगों ने बोला कि अर्थ के अंदर भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं. अब अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों हैं? क्योंकि अगर आप इसको ऐसा कुछ सस्पेंड कर रहे हैं तो दिस विल ऑलवेज कम टू रेस्ट अलोंग व्हाट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और उसमें अगर आप किसी मैग्नेट को रखोगे तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा और ये टॉर्क क्या करेगा, इस मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में अलाइन करेगा. सो व्हाट विल हैपन फाइनली, आप किसी भी डायरेक्शन में छोड़ दें तो क्या होगा, ये मैग्नेट अपने आप को खुद को अलाइन कर लेगा. किस डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं वेर एवर यू टेक दिस एट एनी लोकेशन ऑफ द अर्थ, इफ यू टेक दिस मैग्नेट देन दिस विल ऑलवेज कम टू रेस्ट. अगर आपने ऐसा भी छोड़ा तो देखो ये ऐसी कुछ रेस्ट पर आ रही है. दिस ऑलवेज कम्स टू रेस्ट अलॉन्ग व्हाट, द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अगर आपने इसको ऐसा रखा और छोड़ देंगे तो आफ्टर सम ऑसिलेशंस दिस विल कम टू रेस्ट अलॉन्ग व्हाट, द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों, क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है. हम जहां पर पढ़ा रहे हैं सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है. तो ये ऐसा कुछ रेस्ट पर आ रहा है. तो अब हम लोग इसमें ही कहते हैं कि अर्थ के पास अपनी खुद की एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है. अब अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का ओरिजिन क्या है ये अभी तक एग्जैक्टली क्लियर नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि अर्थ के पास अपनी खुद की कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है. अब इसके बाद इसमें इसका ओरिजिन क्या है, इसकी वैल्यूज क्या है, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे. तो बच्चों अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-5 टेस्ला. मतलब ज्यादा नहीं है ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम लोग अज्यूम कर सकते दिस इज हैविंग अ वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-5 टेस्ला. अब अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद बहुत सारी थ्योरीज आगे आई है ना. इसमें नन ऑफ द थ्योरीज कैन बी सेड टू बी ऑथेंटिक एट दिस स्टेज, है ना. अभी भी रिसर्च चल रहा है, बहुत काम चल रहा है कि अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसकी वजह से. तो इनिशियली इट वॉज अज्यूम, ऐसा अज्यूम किया गया कि अर्थ के अंदर भी कोई मैग्नेट है. There is a very large magnet which is lying inside the earth. और बहुत सारी properties, earth की magnetic properties उसके basis पर explain कर दी गई है ना. लेकिन ये theory fail हो गई. अब earth की magnetic properties को explain करने के लिए ऐसा कुछ assume किया गया कि भाई इसके अंदर एक कोई बहुत बड़ी magnet है और इसका कोई north pole और south pole है. Just suppose for example ये earth बना दिया अभी हम लोगों ने और अर्थ के अंदर की जो मैग्नेट है उसका ये साउथ पोल है और यहां कहीं पर ये नॉर्थ पोल है. ये अर्थ के अंदर की मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है. अब बाहर कहीं पर अगर आप मैग्नेट को रखेंगे तो क्या होगा, इसका जो नॉर्थ पोल है बाहर वाली मैग्नेट का वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ पोल की तरफ. और इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, दिस विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ.
तो ये थ्योरी जो है आगे जाकर फेल हो गई। अब क्यों फेल हो गई? क्योंकि रीजन ये है कि अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। अर्थ के अंदर जो है टेम्परेचर बच्चों बहुत ज्यादा है, और किसी मैग्नेट को अगर आप हीट करेंगे है ना, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर करेंगे तो क्या होगा, तो एक तो ये सॉलिड शेप नहीं बचेगा, दिस विल गेट मोल्टन। अर्थ के अंदर जो है टेम्परेचर बच्चों बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कोई मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये मोल्टन स्टेट में आ जाएगी। और मोल्टन स्टेट में भी अभी हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ कम होती जाती हैं। फॉर एवरी मैग्नेट, अगर आपको किसी मैग्नेटिक मटीरियल का मैग्नेटिज्म अगर आपको खत्म करना है तो क्या करिए, आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, है ना। तो अब हम लोग इसमें यह बोलेंगे कि अर्थ के अंदर तो ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो अर्थ के अंदर अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। तो ये वाली थ्योरी जो अल्टीमेटली फेल हो गई है ना, क्या कि अर्थ के अंदर बहुत बड़ा एक मैग्नेट लाई कर रहा है, ऐसा अभी हम लोग जो अजम्पशन लिया था, ऐसी जो थ्योरी ली थी वो फेल हो गई है ना। लेकिन अभी हम लोग ये कहते हैं कि अगला क्या है, तो हम लोग इसमें नेक्स्ट जो अभी हम लोग कह रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरी इज व्हाट, नेक्स्ट थ्योरी ये है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो किस वजह से है। तो अर्थ की मैग्नेटिज्म जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके हाई टेम्परेचर्स की मदद से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है। ये बच्चों ये इसकी एक्सिस है, जहां पर ये स्टैंड लगा हुआ है ये इसकी एक्सिस है, इसके अबाउट ये स्पिन कर रहा है। अब अर्थ के अंदर के टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा है, अब अर्थ के अंदर के टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा है और अंदर का जो मटीरियल है वो मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, मोल्टन स्टेट में है। तो अगर टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा है तो आयरन निकल या इस टाइप के जो मोल्टन मटेरियल्स हैं उसमें टेम्परेचर्स ज्यादा होने के कारण इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, मतलब देयर विल बी सम आयंस विच आर प्रेजेंट। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला, हमने ये बोला कि अर्थ के अंदर के टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो अंदर का जो मोल्टन मटीरियल है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे, और अगर आयंस हैं मतलब चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये चार्ज पार्टिकल्स लगातार स्पिन कर रहे हैं, दीज आर मूविंग कंटिन्यूअसली, और अगर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं बच्चों, अगर ये चार्ज पार्टिकल्स, ये बच्चों एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं, ऐसे कुछ मूव करते हैं, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऐसा कुछ होता है, मतलब ये ऐसा कुछ रोटेट करता है। अभी हम लोग इसमें रोटेट करके भी, तो दिस इज हाउ द अर्थ रोटेट्स है ना, ऐसा कुछ रोटेट करता है ना। तो अब हम लोगों ने इसमें ये बोला कि अगर अर्थ स्पिन कर रहा है तो इसके अंदर के चार्जेस भी स्पिन कर रहा है, चार्जेस अगर मूव कर रहे हैं तो मतलब क्या बोलेंगे, करंट है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां पर बच्चों बहुत सारे क्या हैं, करंट्स हैं, और ये करंट ऐसे कुछ फ्लो कर रहे हैं, और करंट अगर ऐसे कुछ फ्लो कर रहे हैं मतलब इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे कुछ डायरेक्शन होगा। तो ये थ्योरी बहुत हद तक काम करती है, लेकिन अभी हम लोगों ने ये बोला एग्जैक्ट रीजन क्या है अर्थ की मैग्नेटिज्म का अभी तक क्लियर नहीं, लेकिन अभी हम लोगों ने बोल दिया कि दो थ्योरीज हैं। वो दो थ्योरीज क्या हैं? कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म बच्चों दो हैं। वन इज अ वेरी लार्ज मैग्नेट, लार्ज मैग्नेट इज अज्यूम्ड इनसाइड द अर्थ, एक बहुत बड़ी मैग्नेट अभी हम लोगों ने अज्यूम कर ली इनसाइड द अर्थ, और इसमें यह थ्योरी फेल हुई, फेलियर। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, लेकिन शॉर्ट में सारी चीजें बताते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। फेलियर ड्यू टू हाई टेम्परेचर नो मैग्नेट कैन एग्जिस्ट। तो बच्चों टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिज्म जो है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो अभी हमने इसका ओरिजिन भी बता दिया और दूसरी चीज इसका फेलियर भी बता दिया। दूसरी जो थ्योरी है बच्चों, पहली थ्योरी तो ये है वेरी लार्ज मैग्नेट अज्यूम्ड इनसाइड द अर्थ,
इसमें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट लाई कर रही है, ऐसा कुछ अज्यूम कर लिया। इसमें ये वाला बच्चों पोल जो है ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहलाता है और ये ज्योग्राफिक साउथ पोल कहलाता है। देखो इसमें बच्चों ये देखो, इसमें अभी हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आप इसको कंसिडर करें इसकी एक्सिस को, तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, ये जिस स्टैंड पर अर्थ रखा हुआ है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही रखा हुआ है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, और यहां कहीं पर इफ यू कैन सी माय फिंगर, पीछे से कहीं से देख लो, इसमें ये बच्चों बोथ माय फिंगर्स आर प्लेस्ड ऑन व्हाट द ज्योग्राफिक एक्सिस, तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और ये ज्योग्राफिक साउथ पोल, एंड अ वेरी लार्ज मैग्नेट इज अज्यूम्ड, इसके अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट अज्यूम कर ली, और ये मैग्नेट जो है इसका साउथ पोल जो है साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ इज लाइंग नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, कहां की तरफ लाई कर रहा, साउथ पोल जो इसका लाई कर रहा वो कहां पर लाई कर रहा, दिस इज लाइंग नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, है ना। अब इसके बाद इसका जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट ऑफ द अर्थ का वो ज्योग्राफिक साउथ पोल के पास में लाई कर रहा, मतलब अर्थ के अंदर की जो मैग्नेट है बच्चों कहां पर लाई कर रही है, ये देखो ये ऊपर वाला एंड इसका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, और नीचे वाला जो एंड है स्टैंड का ये अभी हम लोगों ने इधर दिखाया हुआ, दिस इज व्हाट द ज्योग्राफिक साउथ पोल, और अभी हम लोगों ने क्या बोला कि इसका इसके अंदर की जो मैग्नेट है अर्थ के अंदर की जो मैग्नेट है वो एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, ये स्लाइटली इंक्लाइंड है। अब ये कैसे पता चला, तो ये पता करने का तरीका क्या है बच्चों, आप अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने पर हम लोगों को जो पैटर्न मिला दैट वाज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, इसलिए इसके बेसिस पर ये अज्यूम किया गया, इसी के बेसिस पर ये अज्यूम किया गया कि देयर इज अ लार्ज मैग्नेट विच इज लाइंग इनसाइड द अर्थ, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसके बेसिस पर एक्सप्लेन की गई। तो अभी हम लोगों ने बोला ये थ्योरी भी फेल है, लेकिन बहुत सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अर्थ की अभी हम लोग इसी अजम्पशन पर अभी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वन ऑफ द थ्योरीज विच इज एक्सेप्टेबल इज व्हाट, दैट इनसाइड द अर्थ द टेम्परेचर्स आर वेरी हाई, मोल्टन स्टेट में है अंदर मटेरियल्स, है ना, एंड आयंस आर फॉर्म्ड विच रोटेट अलोंग विद द अर्थ, विच रोटेट अलोंग विद द अर्थ, अलोंग द अर्थ रिजल्टिंग इन करंट्स, रिजल्टिंग इन व्हाट करंट, और इस करंट की वजह से एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड्स आर जनरेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम लोगों को पता चल गई। तो ये दो थ्योरीज हैं बच्चों, दो थ्योरीज कौन सी हैं, पहली थ्योरी अभी हम लोगों ने बोला कि आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट लाई कर रही है ना, और ये अर्थ की जो मैग्नेट लाई कर रही है वो एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों, है ना, ये एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस नहीं है, ये इससे थोड़ा सा अलग है, तो ये अर्थ की मैग्नेट जो है अर्थ के अंदर की जो मैग्नेट है वो अभी हम लोगों ने ऐसी कुछ अज्यूम कर ली, है ना, एंड नियरली ऑल द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन स्टिल बी एक्सप्लेन ऑन दिस बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, लेकिन ये थ्योरी फेल है अभी हमने बता दिया। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर किसी भी टाइप की मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दूसरी थ्योरी क्या है, दूसरी थ्योरी यह है कि अंदर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, अंदर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से मोल्टन स्टेट में सारे मटेरियल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और मोल्टन स्टेट में मटेरियल्स हैं मतलब आयंस हैं, और आयंस हैं
मतलब अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये आयंस मूव कर रहे हैं, आयंस मूव कर रहे हैं मतलब क्या है, करंट है, और करंट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो ये दो थ्योरीज हैं, लेकिन अभी हम लोग ये बोलते हैं बच्चों, ये जो आयंस वाली जो थ्योरी है कि टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण अंदर अंदर करंट्स आयंस आते हैं और आयंस मूव कर रहे हैं अर्थ के साथ साथ, अर्थ स्पिन कर रहा है, इसके कारण आयंस भी स्पिन कर रहे हैं, मतलब करंट है, मतलब करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसको भी अभी आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय अज्यूमिंग दिस वेरी लार्ज मैग्नेट। तो अब हम लोग इस थ्योरी पर आगे चलते हैं। अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। तो बच्चों क्या क्या चीज पता चल गई, ये पता चल गया कि अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। कैसे पता चला, मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पर आएगी। कारण ढूंढा तो कारण ढूंढने पर पता चला कि अंदर कोई एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, ऐसा अज्यूम किया गया है ना। अज्यूम कैसे किया गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपने प्लॉट की, दोज आर सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, बिल्कुल वैसे ही आती है ना। फिर उसके बाद दूसरी थ्योरी क्या है, ये थ्योरी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर कोई मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है ना, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट कैन स्टिल बी एक्सप्लेन वेरी इजिली बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। दूसरी थ्योरी थी कि भाई ज्यादा टेम्परेचर्स की वजह से अंदर मोल्टन स्टेट में आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं और आयंस इस अर्थ के साथ साथ मूव कर रहे हैं, मतलब करंट है, और करंट है मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। अब हम लोग कुछ इस पर बेस्ड आगे कुछ टर्म्स और डिफाइन करने वाले हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म में बच्चों देखो, ये अर्थ है और इस अर्थ में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट अर्थ जो है रोटेट कर रहा है, और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, ये ज्योग्राफिक साउथ पोल है। तो इसमें देखो, ये बच्चों ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और ये ज्योग्राफिक साउथ पोल है। इसमें जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी थी तो कुछ ऐसे सर्कल्स अभी हम लोग पढ़ते थे जिनको अभी हम लोग क्या लॉन्गिट्यूड बोलते थे। ये देखो, ये कुछ व्हाइट लाइंस ही दिख रही होंगी, ये वाली लाइंस, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल से ज्योग्राफिक साउथ पोल तक ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये जो बड़ी, इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, दीज आर दी लॉन्गिट्यूड्स। और किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर मान लीजिए आप अर्थ में इस जगह पर हैं, तो इस जगह पर ट्रू नॉर्थ किसको बोलते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड, ये जो लॉन्गिट्यूड नॉर्थ की तरफ फेस करता है, नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ फेस करता है, इसको ट्रू नॉर्थ बोलते हैं। तो ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। ट्रू नॉर्थ इज द लॉन्गिट्यूड लाइन pointing towards what, geographic north pole। अभी हम लोग geography भी थोड़ी थोड़ी इसमें बताते चलेंगे जो terms use होंगे, है ना। अब इसके बाद इसमें कुछ terms जो अभी हम लोग define करने हैं वो है geographic meridian एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। बच्चों अच्छे से समझना सारी चीजें, क्योंकि सारी चीजें हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पाते, इसलिए अभी हम आपको इसकी मदद से सारी चीजें इमेजिन करवा देंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन, ये दो चीजें अभी हम लोग बताने वाले नेक्स्ट टर्म्स हैं। इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं, इमेजिन करिएगा, हमने बोला अर्थ की जितनी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसके बेसिस पर बच्चों, बाय अज्यूमिंग A very large magnet inside the earth। और इस magnet क्या, इस अर्थ के अंदर वाली magnet, अर्थ के अंदर वाली magnet का ध्यान से सुनना, जो south pole है वो यहां कहीं पर है। इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा, this is the south pole of the magnet of the earth, this is what the north pole of the magnet of the earth। अब ये south pole जो है, south pole जो है ये मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ, दिस इज लाइंग नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल।
अर्थ के अंदर की जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के पास लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कि आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो, फ्रीली सस्पेंड करोगे तो इसका नॉर्थ, इस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो नॉर्थ है, अगर आप मैग्नेट यहां कहीं पर रखोगे तो इसका जो नॉर्थ है ये ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाएगा। अभी हम लोगों ने बोला इसको अगर अभी हमने ऐसा सस्पेंड कर दिया तो इस डायरेक्शन में कहीं पर, इस डायरेक्शन में कहीं पर ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होगा। हमने बोला इस मैग्नेट का वो एंड, इस मैग्नेट का वो एंड जो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ फेस करता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। अब इसको नॉर्थ पोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा, अंदर कहीं पर मैग्नेट, अंदर कहीं पर अर्थ के साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ होगा। हमने बोला ये वाला जो डायरेक्शन है ये ज्योग्राफिक नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू नॉर्थ का डायरेक्शन हुआ है लगभग इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमारे जिस जगह पर हम पढ़ा रहे हैं सनराइज यहां पर होता है, सनसेट यहां पर होता है, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अभी हम लोग आसानी से बता सकते हैं, है ना। और इस मैग्नेट को अगर अभी हमने फ्रीली सस्पेंड किया तो इसका नॉर्थ पोल जो है ज्योग्राफिक नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है लगभग, है ना। तो अभी हम लोग ये कह रहे हैं अगर इसका नॉर्थ इस डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो अर्थ के अंदर की जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो मतलब क्या है बच्चों, अगर आप यहां कहीं पर खड़े होकर, यहां कहीं पर खड़े होकर अर्थ में इस जगह पर खड़े होकर अगर आप मैग्नेट को ऐसा करेंगे तो इसका जो नॉर्थ पोल है, बाहर वाली मैग्नेट का नॉर्थ पोल, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ। तो ये नॉर्थ पोल है बाहर वाली मैग्नेट का जो अभी हम लोग लटका रहे हैं, ये जो अभी हम लोग ने सस्पेंड करी है इसका नॉर्थ पोल ही है। ये नॉर्थ पोल जो है लगभग नॉर्थ की दिशा में आ रहा है, ट्रू नॉर्थ की दिशा में, इसलिए इसको नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं। इसमें अभी हमने ये बोला कि अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो इसका नॉर्थ पोल ट्रू नॉर्थ की तरफ जा रहा है, लगभग ट्रू नॉर्थ की तरफ। लगभग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रीजन अभी हम आपको बताएंगे। तो लगभग ट्रू नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो इसलिए इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ के अंदर की मैग्नेट, यहां कहीं पर अर्थ के अंदर की मैग्नेट का साउथ पोल होगा और वो साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अभी आपने यहां कहीं पर अगर मैग्नेट को लटकाया तो अर्थ के अंदर की मैग्नेट का साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो अब हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं बच्चों, सुनना ध्यान से। तो अब हम लोगों ने यह बोला कि अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक बहुत बड़ी मैग्नेट अज्यूम करी इनसाइड द अर्थ, और इस लाइन को अगर अभी हम लोग आगे बढ़ा दें तो ये बच्चों क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक एक्सिस यहां कहीं पर ज्योग्राफिक जो नॉर्थ पोल है उसके पास में कहीं पर कट करती है, और ये प्लेस जो है दिस इज नियर कैनेडा, और ये जहां कहीं पर इसको कट कर रही है दिस प्लेस इज नियर एंटार्क्टिक, ठीक है। अब ये भी अभी हम आपको बता दे रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। और ये जो एंगल है ये एग्जैक्टली ये जो अर्थ की जो मैग्नेट है ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, स्लाइटली टिल्टेड है, और कितने एंगल पर टिल्टेड है? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 11.3। तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस एक्सिस इज इंक्लाइंड रफली एट 11.3 डिग्रीज विद द ज्योग्राफिक एक्सिस। जो जो चीजें बच्चों काम की लग रही हैं वो नोट करते जाओ, ठीक। अब ये कनाडा के पास कोई जगह है तो देखो इसमें ये अभी हम लोगों ने बोला दिस, ये जो मेटालिक फ्रेम में लगा हुआ है ये इसकी, ये बच्चों आप उधर से देखना, इसमें ये मेटालिक फ्रेम जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ज्योग्राफिक एक्सिस। तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है, और अर्थ के अंदर की जो मैग्नेटिक एक्सिस कट कर रही है ये कनाडा यहां कहीं पर, और कनाडा यहां कहीं पर है, और अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये देखो एंटार्क्टिक, ये यहां पर अभी हम लोगों ने बोला कनाडा, यहां कहीं पर
ये वाला पॉइंट है और इसमें यहां कहीं पर एट दिस लोअर पॉइंट यहां कहीं पर अभी हम लोगों ने बोला एंटार्क्टिक है ना, तो ये सारी चीजें देखो अभी हम लोगों ने यहां पर मार्क किया हुआ, दिस इज द पॉइंट, ये कनाडा में यहां कहीं पर अभी हम लोगों ने ये पॉइंट है ठीक। अब इसके बाद नीचे वाला पॉइंट आपको दिखाएं, तो नीचे वाला पॉइंट दिखाने के लिए अभी हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहे हैं, ये देखो यहां कहीं पर, ये देखो ये ज्योग्राफिक साउथ पोल है, दिस इज द ज्योग्राफिक साउथ पोल एंड दिस इज द एंटार्क्टिक, यहां कहीं पर ये वाला पॉइंट कौन सा, ये एंटार्क्टिक। अब हम लोग क्या बोलते हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये टर्म्स क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो बच्चों अभी हम लोग ये कहते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, इट इज द वर्टिकल प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन हम यहां कहीं पर लिख दे रहे हैं क्योंकि इससे विजन ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन एट अ प्लेस, किसी एक जगह पर ज्योग्राफिक मेरिडियन इज एट अ प्लेस इज द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ, या फिर अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल सर्कल से पास होने वाला, ऑल्सो पासिंग थ्रू व्हाट द लॉन्गिट्यूडनल सर्कल या लॉन्गिट्यूड सर्कल एट दैट प्लेस। सुनकर सारी चीजें लिख लेना, अब देखो इसमें अभी हम लोगों ने ये बोला कि किसी जगह पर आपको अगर ज्योग्राफिक मेरिडियन बताना है तो ज्योग्राफिक मेरिडियन बताने का तरीका, ये सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको इस जगह पर, इमेजिन करना बच्चों अच्छे से, क्या इस जगह पर अगर आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन बताना है तो इस जगह से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन बच्चों इस जगह पर बहुत सारे आएंगे, ये सारे वर्टिकल प्लेन्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर वर्टिकल प्लेन्स थ्रू दिस प्लेस, लेकिन ऐसा वर्टिकल प्लेन जो इस जगह से पास हो रहा है और इस जगह से पास हो रहा है और ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ, तो ये देखो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से पास होने वाला ये वर्टिकल प्लेन रहेगा, इस जगह से भी पास होना चाहिए पहली चीज, इस जगह से भी पास होना चाहिए, वर्टिकल भी होना चाहिए और ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से भी पास होना चाहिए, तो ये वाला जो प्लेन है इसको अभी हम लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं, दिस प्लेन विल बी टर्म्ड एज व्हाट, द ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब उसके बाद ज्योग्राफिक मेरिडियन जो है अभी हम लोग कहते हैं बहुत आसानी से बताया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है ध्यान से सुनना, कि इस जगह पर अगर आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन अगर आपको बताना है तो ये देखो ये लॉन्गिट्यूडनल सर्कल्स तो बने रहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सर्कल्स अभी हम लोगों ने बोला है आपको ग्लोब पर बने हुए, तो ये लॉन्गिट्यूडनल सर्कल आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए अभी हमने लाइन ड्रॉ कर दी है ना, तो ये अभी हम लोग बोलेंगे ऐसा कोई भी वर्टिकल प्लेन जो इस लॉन्गिट्यूड सर्कल से पास होगा उसको अभी हम लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन अभी हम लोगों ने बता दिया। अब इसके बाद बच्चों इसके बाद नेक्स्ट टर्म है इसमें मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन बताने के लिए फिर से अभी हम लोग वर्टिकल प्लेन्स का ही यूज करेंगे, बहुत सारे टर्म्स आएंगे बच्चों इसमें है ना, तो कोशिश करना जो भी चीज आपको काम की लगे वो नोट करते जाएं। तो अभी हम लोग ने ज्योग्राफिक मेरिडियन बता दिया, इट इज अ वर्टिकल प्लेन, अच्छे समझना बच्चों तसल्ली से, हम बहुत समय लेकर आपको हर चीज बता रहे हैं तो सारी चीजें इमेजिन भी करवा रहे हैं। अब इसमें अभी हम लोगों ने बोला एनी वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू द गिवन प्लेस एंड द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड द ज्योग्राफिक साउथ, इसको अभी हम लोगों ने ज्योग्राफिक मेरिडियन बोला है ना। अब
इसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन अगर आपको बताना है तो मैग्नेटिक मेरिडियन बताने के लिए हम लोग बोलेंगे ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ये देखो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन, अ वर्टिकल प्लेन, अ वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू द गिवन प्लेस। सपोज अर्थ में हम लोग यहां कहीं पर हैं, अर्थ में यहां कहीं पर हैं, तो अभी हम लोगों ने क्या बोला कि वर्टिकल प्लेन्स तो इस जगह से पास होने वाले फिर से बहुत सारे रहेंगे, ये बहुत सारे प्लेन्स रहेंगे, देर आर मेनी वर्टिकल प्लेन्स विच आर पासिंग थ्रू दिस प्लेस। लेकिन आपको एक ऐसा वर्टिकल प्लेन लेना है किसी जगह पर जो मैग्नेट ऑफ द अर्थ के अलोंग पास हो रहा हो और उस प्लेस से भी पास हो रहा है। तो वर्टिकल प्लेन विच पासिस थ्रू दिस मैग्नेट, इस मैग्नेट के साउथ पोल और नॉर्थ पोल से पास होना चाहिए और इस प्लेस से भी पास होना चाहिए। तो वर्टिकल प्लेन्स तो बच्चों बहुत सारे रहेंगे, लेकिन इन दोनों जगह से, इन दोनों जगह से पास होने वाला, ये जो दो जगह हैं, ये यहां कहीं पर है कनाडा में और ये अंटार्कटिक में है, और इससे पास होने वाला वर्टिकल प्लेन बच्चों कौन सा रहेगा? तो ये वर्टिकल प्लेन ऐसा कुछ आएगा, है ना? तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन रहेगा। अब हम लोग इसमें ये कहते हैं, ध्यान से सुनो, ये अभी हमने समझाने के लिए देखो ये बहुत आसान तरीका लिया है हमने, आपको कलर टेप्स लगाए हुए हैं, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जगह जगह अभी हम लोगों ने सिलेक्ट की है, ये वाली, दिस इज द प्लेस, एट दिस प्लेस इफ यू हैव टू डिफाइन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन कहां पर कट कर रहा है बच्चों? ये तो ये लॉन्गिट्यूड रहेगा यहां का, लॉन्गिट्यूड सर्कल है, तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया। अब कनाडा यहां कहीं पर है और एंटार्कटिक यहां कहीं पर है, इसी जगह पर अगर आपको मैग्नेटिक मेरिडियन बताना तो मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा कुछ रहेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या रहेगा? इस जगह से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन जो किससे पास हो रहा है? अर्थ की मैग्नेट से पास हो रहा है। तो अर्थ की मैग्नेट बच्चों किस लाइन पर है? इस वाली लाइन पर है, ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन अंदर वाली तो अभी हम दिखा नहीं सकते, अंदर वाली लाइन ये अभी हम लोगों ने यहां कहीं पर दिखाई है। तो बच्चों इस जगह पर अगर अभी हमें ज्योग्राफिक मेरिडियन बताना है तो इस जगह से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन ये ज्योग्राफिक मेरिडियन रहेगा, और इस जगह से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन जो अर्थ की मैग्नेट है उससे भी पास होने वाला, ये अभी हम लोग बोलेंगे ये मैग्नेटिक मेरिडियन रहेगा, है ना? तो मैग्नेटिक मेरिडियन की डेफिनेशन लिख दें, मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन एट अ प्लेस इज the vertical plane passing through north and south poles of the magnet of the earth, ये magnetic meridian किससे pass होना चाहिए? उस जगह से pass होना चाहिए जिस जगह पर अभी हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बता रहे हैं, और फिर क्या बोला है किससे पास होना चाहिए? नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ, इससे भी पास होना चाहिए। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? ये भी एक वर्टिकल प्लेन है जो उस प्लेस से पास होना चाहिए, और किससे पास होना चाहिए? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल से पास होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें अलग है। अब दोनों चीजें अलग कैसे है बच्चों? अभी हम लोगों ने इसमें यह बताया कि पहले जो सेलर्स वगैरह थे वो किस चीज का यूज करते थे? वो मैग्नेट्स का यूज करते थे। तो बच्चों मैग्नेट को अगर अभी हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो क्या ये ट्रू नॉर्थ बताएगा? इसको बोलते हैं अभी हम ट्रू नॉर्थ। ज्योग्राफी पूरी इसी के टर्म्स में डिफाइन है, ट्रू नॉर्थ। लेकिन आप कहीं पर अगर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो तो वो इस डायरेक्शन में नहीं जाती है, वो इस डायरेक्शन में जाती है। तो मतलब अभी लोग ये बोलेंगे कि भाई जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेट जा रही है उससे कुछ एंगल पर रहेगा ट्रू नॉर्थ, और वो एंगल जो है दैट इज टर्म्ड एज द डिक्लिनेशन। तो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन डिक्लिनेशन।
तो डेक्लिनेशन क्या है? इट इज द एंगल विच एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, तो अब हम लोगों को यह पता चल गया, कुछ कुछ डेफिनेशंस आ गई। अब इसमें देखना ध्यान से, ये मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन रहेगा बच्चों ये वाला, इसको अभी हम लोग मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मैग्नेटिक इक्वेटर। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ज्योग्राफिक इक्वेटर पढ़ा था, है ना, और अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, अब इसमें अब सोच कर देखिएगा, बहुत सारे टर्म्स अब हम लोगों को पता चल गए। भाई मैग्नेट को अगर आप किसी जगह पर फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो इसका नॉर्थ पोल कहां की तरफ फेस करेगा? दो चीजें बता सकते हैं। एक तो अभी हम लोग बोलेंगे कि अगर यहां कहीं पर अगर आप सस्पेंड करोगे ऐसा कुछ, तो इसका नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल ऐसा कुछ रेस्ट पर आएगा। नॉर्थ पोल बच्चों ये देखो, इस जगह पर अगर आप सस्पेंड करोगे तो ऐसा कुछ रेस्ट पर आएगा। इसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ रेस्ट पर आ रहा है। हम आपको अच्छे से दिखा दें, इसमें देखो, इसमें अगर आप यहां कहीं पर मैग्नेट को सस्पेंड करोगे तो इसका नॉर्थ पोल जो है एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं आएगा। यहां पर खड़े होकर अगर कोई डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा तो इसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में रेस्ट पर आएगा। ये जो रेड वाली लाइन है ना, इसका नॉर्थ पोल इधर की तरफ रेस्ट पर आएगा। क्यों? इधर कहीं पर अर्थ के अंदर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ है। अर्थ के अंदर क्या है? साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ, है ना। एनसीईआरटी ने इस पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को, इन्होंने नाम NM दिया है। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसलिए अभी हम बच्चों को मोस्टली बताते नहीं है, सिर्फ एक बार बताकर अलग कर देंगे इसको। और जहां पर ये एंटार्क्टिक में इसको कट कर रहा है, इसको SM बोला है ना, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए अभी हम लोग इसको नहीं लिख रहे हैं। लेकिन नॉलेज से आपको सारी चीजें बता दें। अब इसमें अभी हम लोगों को क्या क्या चीज पता चल गई बच्चों? आज हम लोगों को पता चल गया मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। मैग्नेटिक मेरिडियन इज द वर्टिकल प्लेन विच पासिस थ्रू अ वर्टिकल प्लेन विच पासिस थ्रू अ गिवन प्लेस। वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन प्लेस एंड द मैग्नेट ऑफ द अर्थ, ये। और ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है? वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दिस प्लेस एंड द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड द ज्योग्राफिक साउथ और कंटेनिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा कुछ कह सकते। अब इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप किसी मैग्नेट को आप यहां कहीं पर सेंटर में कहीं पर रखेंगे तो क्या होगा? अर्थ के सेंटर पे, मतलब इक्वेटर पर कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर रखेंगे तो ये बच्चों इक्वली स्पेस्ड रहेगा। इसका जो नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल से डिस्टेंस, और इसका जो साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस लगभग बराबर रहेगा। इफ यू आर नियर द इक्वेटर, नियर द मैग्नेटिक इक्वेटर, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। इस पॉइंट का, इस नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, जो बाहर वाली मैग्नेट है, ये जो बाहर अर्थ के अंदर की मैग्नेट, हम लोग कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि दो मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं। एक जो मैग्नेट अभी हम लोग बाहर सस्पेंड कर रहे हैं और एक अंदर वाली मैग्नेट, है ना। तो अभी हम लोगों ने बोला अगर हम यहां कहीं पर खड़े हैं मान लीजिए, तो क्या होगा? इसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा जो अर्थ के अंदर है, और इसका जो साउथ पोल है वो किससे अट्रैक्ट होगा? नॉर्थ पोल जो अर्थ की मैग्नेट अर्थ के अंदर है, है ना। तो अब हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट पर इफ यू आर स्टैंडिंग समवेयर नियर द इक्वेटर, तो इस नॉर्थ पोल का अंदर वाले साउथ पोल से डिस्टेंस और इस साउथ पोल का अंदर वाले नॉर्थ पोल से डिस्टेंस लगभग बराबर है, तो ये कैसी रहेगी? लगभग हॉरिजॉन्टल रहेगी, है ना। तो यहां कहीं पर अभी हम लोग बोलेंगे इफ यू आर सस्पेंडिंग अ मैग्नेट फ्रीली एट दिस पॉइंट, यहां कहीं पर मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करोगे तो नियरली हॉरिजॉन्टल रहेगी। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ आ जाओगे, सपोज यहां कहीं पर आ जाओ, तो क्या होगा? बाहर वाली ये जो मैग्नेट है इसका साउथ पोल से डिस्टेंस कम हो जाएगा और
इसका जो नॉर्थ पोल है, अर्थ की अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, इससे डिस्टेंस दूर हो जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल ना रहकर ऐसी कुछ इंक्लाइंड हो जाएगी, है ना। तो अभी हम लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएंगे यहां की तरफ, तो अभी हम लोग बोलेंगे ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो अब परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, है ना। तो अब ये नेक्स्ट डेफिनेशन अभी हम लोग ले रहे हैं बच्चों, क्या, एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप क्या है, द एंगल विच अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मैग्नेट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। इसको अभी हम लोग एंगल ऑफ डिप बोलेंगे। तो अब इसके लिए कैसी नीडल की जरूरत पड़ेगी बच्चों, जो विच इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल सर्कल। मतलब अभी हम लोगों ने बोला ये मैग्नेट फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल सर्कल है और ये फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल सर्कल। तो अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे इधर की तरफ, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे आपका ये जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल के ज्यादा नजदीक पहुंचता जाएगा। जब आप यहां पर पहुंच जाओगे, जब आप यहां कहीं पर पहुंच जाओगे, कहां, कनाडा में, कनाडा में जब आप पहुंचोगे और मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो इस जगह पर क्या है, मान लीजिए अभी हम कनाडा में खड़े हैं, है ना, इस पॉइंट पर क्या चीज है, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ है, तो क्या होगा, इसका नॉर्थ पोल अंदर वाले साउथ पोल से अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब यहां कहीं पर मैग्नेट एग्जैक्टली वर्टिकल हो जाएगी, ऐसी कुछ, है ना। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल्स इज 90 डिग्रीज। फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा बच्चों, देखो अभी हमने बोला जब आप इक्वेटर पर हैं, यहां कहीं पर हैं, तो इस नॉर्थ पोल का अंदर वाले साउथ पोल से डिस्टेंस और इस साउथ पोल का अंदर वाले नॉर्थ पोल से डिस्टेंस बराबर है, है ना। अभी हमने ये बोला कि यहां अर्थ के अंदर का जो साउथ पोल है वो इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है और इस साउथ पोल को अंदर की मैग्नेट का नॉर्थ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और दोनों इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों इक्वली क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस बराबर है। तो यहां पर, यहां कहीं पर ये मैग्नेट जो है हॉरिजॉन्टल रहेगी। अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आओगे तो क्या होगा, आप किसके ज्यादा पास में पहुंच जाओगे, जैसे सपोज आप यहां कहीं पर आ गए, तो आपका डिस्टेंस साउथ पोल से बहुत कम हो गया, इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे सपोज इफ यू आर स्टैंडिंग समवेयर हियर, अगर आप यहां कहीं पर कनाडा में खड़े हुए हैं, तो क्या होगा, आपको ये मैग्नेट अगर फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वर्टिकल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस जगह के जस्ट नीचे, इस जगह के जस्ट नीचे अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल है। अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल अगर है तो नॉर्थ जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अब हम लोग इसमें ये कहते हैं कि अगर ये वर्टिकल हो गया तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 90 डिग्रीज। अब ऐसे ही यहां कहीं पर जाओ, अगर आप एंटार्क्टिक में हैं, यहां कहीं पर एंटार्क्टिक में, सपोज इस पॉइंट पर है, दिस इज एंटार्क्टिक, और यहां कहीं पर ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, इसके अंदर, इसके अंदर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ है, और यहां कहीं पर अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो इसका साउथ पोल नीचे की तरफ आ जाएगा, साउथ पोल नीचे की तरफ आ जाएगा और ये मैग्नेट वर्टिकल हो जाएगी। मैग्नेट वर्टिकल क्यों होगी, क्योंकि इस जगह के अंदर, इस जगह के अंदर क्या चीज है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ, और इस बाहर वाली मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अंदर वाले, अंदर वाले नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहां पर भी ये वर्टिकल हो जाएगी। तो यही चीज अभी हम लोगों ने लिखी हुई है, क्या, कि एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल्स इज व्हाट, 90 डिग्रीज। ठीक, अब हम लोगों को बहुत सारे टर्म्स पता चल गए बच्चों, क्या क्या चीज पता चली, हम फिर से रिपीट करते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता बच्चों, अ वर्टिकल प्लेन, अ वर्टिकल प्लेन विच पासिस थ्रू व्हाट, द गिवन प्लेस एंड द मैग्नेट ऑफ द अर्थ। अब मैग्नेट ऑफ द अर्थ से भी पास होना चाहिए ये वर्टिकल प्लेन, कैसे पता चलेगा, तो इसका बहुत अच्छा तरीका है, आप यहां पर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, फ्रीली सस्पेंड कर दिया, अब ये जहां पर भी रेस्ट पर आएगा, कहां पर रेस्ट पर आएगा, ये वाला जो एंड है ये नॉर्थ पोल है,
तो ये नॉर्थ पोल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा बच्चों, अर्थ के, सॉरी ये साउथ पोल है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अर्थ के अंदर की ऑपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अभी हम लोगों ने इसमें ये बोला कि अगर किसी जगह पर मैग्नेटिक मेरिडियन बताना है तो आप इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो और इससे पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है वो इस जगह का मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। इस जगह का मैग्नेटिक मेरिडियन अगर आपको बताना है तो किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो और फ्रीली सस्पेंड करने पर जिस डायरेक्शन में ये रेस्ट पर आएगा वहां से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन वो आपको मैग्नेटिक मेरिडियन दे देगा। तो पहली डेफिनेशन अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन यहां पर भी दिखा दें आपको, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। ज्योग्राफिक मेरिडियन बच्चों क्या रहेगी, ज्योग्राफिक मेरिडियन इस जगह पर ये वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से पास हो रहा है। डिक्लिनेशन क्या है, डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। बच्चों ये वाला जो एंगल है इसको अभी हम लोग इसको या ये वाले एंगल को इस जगह का क्या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलेंगे। ठीक, एंगल ऑफ डिप क्या है, एंगल ऑफ डिप इज द एंगल विच द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। तो ये सारी डेफिनेशंस अभी हमें पता चल गई। अब इसके बाद बच्चों फाइनल एक टॉपिक और बचा है वो भी अभी हम लोग ले लें, क्या अब हम लोगों को यह पता चल गया किसी भी जगह पर ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन बच्चों अलग अलग होता है। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन अलग अलग होते हैं, है ना। अगर किसी जगह पर कोई अगर डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो उसको जो डायरेक्शन पता चलेगा वो ट्रू नॉर्थ नहीं पता चलेगा। जैसे मान लीजिए यहां कहीं पर कोई सेलर अगर है और वो सेलर डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो डायरेक्शन अगर ढूंढने की कोशिश करेगा तो क्या होगा बच्चों, इसकी मैग्नेट जो है ऐसी कुछ रेस्ट पर आएगी, इस जगह पर ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रहेगा। लेकिन इसको तो ट्रू नॉर्थ में जाना है, ट्रू नॉर्थ में अगर जाना है तो इस वाले डायरेक्शन में ये वाला डायरेक्शन इसको पता चला और एक्चुअल डायरेक्शन ये वाला है। तो इन किसी भी जगह पर आपको अगर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक डायरेक्शन पता चल गया उससे कितने एंगल पर है ये ज्योग्राफिक डायरेक्शन वो जानना जरूरी है और इसी को अभी हम लोग डिक्लिनेशन बोलते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो ये दो प्लेन्स है, एक ये वाला प्लेन है और ये वाला प्लेन है। ये रेड वाला जो है बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये ब्लैक वाला जो है ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है। तो ये दोनों अभी हम आपको यहां पर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये देखो दोनों अलग अलग है। हमने बोला ये एक वर्टिकल प्लेन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये बच्चों ज्योग्राफिक मेरिडियन है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसको अभी हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी स्टैंड्स फॉर व्हाट, द डिक्लिनेशन। डी स्टैंड्स फॉर व्हाट, द डिक्लिनेशन। अब यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो ये कुछ एंगल बनाएगी। इसको भी हम आपको ऐसा बता दे रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, ये बच्चों ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये एक शादी का कार्ड है, है ना, ये इसी काम आएगा। ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन है, या फिर इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन ले लो, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन ले लो। अब अभी हम लिख दे रहे हैं क्योंकि ये व्हाइट है, इसमें अभी हम लोग ये मैग्नेटिक मेरिडियन है ना। अब हम लोग यहां कहीं पर अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, मान लीजिए ये ऐसी कुछ रेस्ट पर आई, तो कोई भी मैग्नेट किस डायरेक्शन में रेस्ट पर आती है, कोई भी मैग्नेट जो है, अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था बच्चों कोई भी मैग्नेट किस डायरेक्शन में रेस्ट पर आती है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रेस्ट पर आती है। तो ये
डायरेक्शन आपको किसका मिल जाएगा, ये डायरेक्शन आपको मिल जाएगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया BE, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है इसको एंगल ऑफ डिप बोलते हैं और इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ डिप को, एंगल ऑफ डिप को बच्चों हम लोग इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, ठीक, और इसको अभी हम लोगों ने BE बोल दिया, ठीक है। अब इसमें इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट्स कौन से आएंगे बच्चों देखना इस मैग्नेटिक फील्ड के, एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, इसको अभी हम लोग H बोलते हैं, और ये वर्टिकल कंपोनेंट इसको V बोलते हैं। कुछ किताबों में इसको BH और BV बोला है, आप जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। तो BH कितना आ जाएगा, तो BH बच्चों विल बी इक्वल टू BE cos I, और BV की वैल्यू BE sin I, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। और इन दोनों का जो रेशियो है BV अपॉन BH, ये BE sin I अपॉन BE cos I। BE क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, एट एनी प्लेस, है ना। तो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो बीवी अपॉन बी एच क्या आ जाएगा, बीवी अपॉन बी एच, ये टेन आई आ जाएगा। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन चीजें अभी हम लोग बताते हैं क्या। एक तो अभी हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और एंगल ऑफ डिप एंड द डिक्लिनेशन। ये तीन चीजें अगर किसी जगह पर डिफाइंड है तो अभी हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पर कंप्लीटली डिफाइंड रहेगी। तो बच्चों अब आज के लिए इसमें इतना ही, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स वगैरह भी बना लेना, क्योंकि इसमें वन मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे।